स्मार्टफोन कंपनियों का भारतीय बाजार में वर्चस्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जियो ने अपने 1.25 करोड़ ग्राहकों और बाजार में 6% की हिस्सेदारी के साथ इंडिया की टॉप 5 कंपनियों में अपनी जगह बनाने के लिए प्रयासरत है। प्रतिस्पर्धी बाजार में अपनी मजबूत स्थिति बनाने के उद्देश्य के साथ जियो ने मिड प्राइस सेगमेंट यानी कि मध्य कीमत श्रृंखला में 16,999 रुपए की कीमत का जियोनी M7 पावर बाजार में उतारा है। एल्यूमिनियम बॉडी का बना ये फोन उसकी मुख्य विशेषताओं में से एक है। गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ फुल व्यू डिस्प्ले डिवाइस को ट्रेंडी लुक देता है। 6 इंच की स्क्रीन जो कि संपूर्ण बॉडी रेशियो के 85% हिस्से को कवर करती है। बड़ी स्क्रीन होने की वजह से वीडियोस देखते समय, गेम खेलते समय या फिर कुछ भी पढ़ते समय बेहतर विजुअल का अनुभव ले सकते हैं। अगर हम इसके सिक्योरिटी फीचर की बात करें तो जियोनी के इस मॉडल में प्राइवेट स्पेस 2.0 फीचर दिया गया है जो फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी और ऐप लॉक की सुविधा से लैस है। मल्टी फंक्शन फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन से फोन को सुरक्षित तरीके से अनलॉक किया जा सकता है। 1.4 GHz का स्नैपड्रैगन ऑक्टाकोर प्रोसेसर 4 GB रैम ग्लिच फ्री एक्सपीरियंस देता है। या यूं कहें कि गेम खेलते समय या सोशल मीडिया के इस्तेमाल के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी से आपको बचाता है। इस फोन में एंड्रॉइड 7.1 पर बेस्ड अमीगो 5.0 है। इसमें व्हाट्सएप क्लोनिंग का भी एक फीचर दिया गया है जिसके जरिए एक साथ 3 व्हाट्सएप अकाउंट बनाए जा सकते हैं। स्प्लिट स्क्रीन की सुविधा वाले इस फोन के जरिए एक स्क्रीन पर और एक ही समय पर अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं। फोन का इंटेलिजेंट आई प्रोटेक्शन फीचर काम करते समय ब्लू लाइट को कम कर देता है। ये फोन उन लोगों के लिए बेहतर चॉइस हो सकती है जो फोन पर पढ़ना पसंद करते हैं। फोन के स्मार्ट जेस्चर फीचर से अलार्म बजने पर डिवाइस का फ्लिप करने मात्र से पॉज किया जा सकता है। ब्लैक स्क्रीन जेस्चर की मदद से कैमरा, इंटरनेट, ब्राउजर, म्यूजिक, टॉर्च और सेल्फी कैमरे को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। स्लीप स्क्रीन मोड में इसका स्मार्ट वाइब्रेशन फीचर मिस कॉल्स और मैसेजेस से अलर्ट कराता है। ग्लव पैटर्न्स फीचर से ग्लव्स पहनकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, विशेषकर विंटर सीजन में। जियोनी ने इस फोन में 13 MP बैक कैमरा और 8 MP सेल्फी कैमरा दिया है। दिन की रोशनी में इससे अच्छे शॉट्स लिए जा सकते हैं। इससे 3D पिक्चर्स भी खींचे जा सकते हैं। इसके लाइव फोटो फीचर से फोन को टर्न करके या स्लाइड करके ऑब्जेक्ट्स के मल्टीपल एंगल लिए जा सकते हैं। इसका एडवांस सॉफ्टवेयर सिस्टम फ्रंट कैमरा से सेल्फी लेने पर बैकग्राउंड को ऑटोमेटिकली ब्लर कर देता है जिससे सेल्फी खूबसूरत लगने लगती है। 5000 mAh की हाई क्वालिटी के बैटरी के साथ ये कैमरा मल्टीटास्कर के लिए बेस्ट डिवाइस साबित हो सकता है। संक्षेप में हम यही कहेंगे कि इस फोन का फुल व्यू डिस्प्ले और लॉन्ग लास्टिंग बैटरी फीचर्स बाजार में इसकी कीमत में उपलब्ध दूसरे जैसे मोटो GS5 प्लस, नोकिया 6 और LG Q6 प्लस में एक अलग स्थान बनाता है।